था 250-300 किलोमीटर गाड़ी चलाएंगे और स्टे करेंगे और रेस्ट करेंगे, बट अभी एक ढाबा दिखा अच्छा सा, और बारिश भी बढ़ गई है, देखिए आप अच्छी खासी बारिश हो रही है बाहर, और खाना खाने के बाद तो पता नहीं अभी नींद वींद आ जाए तो। देखो पहले हमने सोचा था जब जयपुर से निकले थे कि हम चंडीगढ़ स्टे करेंगे, रात को सोएंगे सुबह को निकलेंगे। चंडीगढ़ कब निकला पता ही नहीं चला, और 250-300 का सोच करके आए थे, 400 450 किलोमीटर गाड़ी चल गई है। भाई फुल मजे में है, और मेरे को डर लग रहा है इस गाने का कॉपीराइट नहीं आ जाए यार डालते ही वीडियो में कॉपीराइट बोलेगा, अगर बोलेगा तो म्यूट कर दूंगा भाइयों, डांटना मत वीडियो से, देखना पूरा भाई। मजा आ रहा है ना हरियाणा में, केकन लाग रहा तू सीएनजी बना रहे अभी हम लोग हरियाणा में है, और हरियाणा में सीएनजी बनवा रहे हैं। 440 किलोमीटर ट्रेवल कर चुके हैं और यहाँ से यू टर्न मारना है। In 500 meters, turn right onto विश्वकर्मा मंदिर रोड। अभी है ना बहुत खंदे वाले जाम में हम लोग फंस गए थे, और बहुत मुश्किल से निकले, आधा घंटा हम लोगों का उस जाम में खराब हो गया था। तो भैया मैं अभी जयपुर से निकल चुका हूँ हिमाचल के लिए, और सबसे पहले जो हम रुकने वाले हैं वो है चंडीगढ़, और जयपुर से चंडीगढ़ का जो अगर अपन डिस्टेंस देखें ना तो अप्रॉक्स 470 किलोमीटर है, 470 किलोमीटर है, और पूरी ट्रिप मैं भैया आपको दिखाने वाला हूँ, और पूरा वीडियो देखना आप जयपुर से चंडीगढ़ का और कहाँ कहाँ स्टॉपेज करने वाले। ये मेरा पहला वीडियो है चंडीगढ़ तक का, तो चंडीगढ़ के लिए जा रहे हैं हम लोग, और मेरे साथ आज जो है ना आप शायद जानते होंगे उनको, यूट्यूब पे है, बहुत फेमस है, उनका नाम है आशीष वाधवानी और उनके चैनल का नाम है वर्चुअल बंजारा। तो हम लोग साथ में ट्रिप करने वाले हैं, ही इज़ आशीष, तो हम लोग साथ में ट्रिप करने वाले हैं और बहुत मज़ा आने वाला है। ही इज़ ए फूड ब्लॉगर, मैं इनके चैनल का लिंक जो है वो अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। भाई गाड़ी चलानी है ये यार स्टार्ट हो गया भाई, यार देखो यार गाड़ी चला रहा हूँ आंखें बंद कर रहे हैं, एक्सीडेंट हो जाएगा भाई, देखो यार भाई देखो मेरे को आ रही है नींद, मैं ऐसे अटखलिया नहीं करूंगा ना तो मजा नहीं आएगा भाई, सोना नहीं है गाड़ी में, सोना नहीं है बिल्कुल भी, सोने के लिए पीछे बेड लगा दूंगा बता देना चलो हम आपको वो भी दिखाएंगे कि हमने क्या क्या तैयारी की है, क्योंकि देखो कई बार क्या होता है कि हम लोग जब ट्रेवल कर रहे होते हैं ना तो बहुत सारी चीजें होती है जो लोगों को नहीं पता होती है ना, कुछ लोगों को ही पता होती है, जैसे कि पीछे सोया कैसे जाए सबसे इम्पोर्टेंट अगर दो लोग हैं, क्योंकि देखो रात में मैं ड्राइव करने वाला हूँ, थोड़ा अभी ये ड्राइव कर रहा है, रात को तकरीबन 11 से 12 बजे तक ये ड्राइव करेंगे, उसके बाद 12 बजे बाद मैं ले लूंगा, तो मेरा फ्रेश होना बहुत जरूरी है, तो पहले मैं सो जाऊंगा, उसके बाद रात को मैं ड्राइव करूंगा, फिर ये सो जाएंगे भाई। अप्रोक्सीमेटली ये टूर कम से कम 10 से 12 दिन का होने वाला है, मैं सस्पेंस रखूंगा कहाँ कहाँ जाने वाले हैं, बट पूरा हिमाचल घुमाने वाला हूँ मैं आपको ये बता रहा हूँ, मतलब आप एक्सपेक्ट कर लेना, और आप भी डिस्क्रिप्शन में नीचे कमेंट्स में मुझे बताते रहना कि कहाँ कहाँ आप देखना चाहते हैं पूरे हिमाचल में भैया। तो चलते स्टार्ट करते हैं टूर आज का, एक शॉट बने रहना, मजा आने वाला है। चलो भाई देखो अपने क्या करना है, भाई यार अभी है ना बहुत खंदे वाले जाम में हम लोग फंस गए थे, और बहुत मुश्किल से निकले, आधा घंटा हम लोगों का उस जाम में खराब हो गया था, कोई रोड वो टूटा हुआ था बीच में तो रोड बना लेते। वैसे हम लोग जो आए बेसिक एक दिल्ली हाईवे जो जयपुर से उससे आ रहे, एक नया हाईवे भी बन चुका है जो मुंबई एक्सप्रेस हाईवे है, और अगर आप वहाँ से आते तो वो एकदम फास्टेस्ट रोड है, लेकिन अगर आप दिल्ली जा रहे हो उस रूट से तो आपके लिए बेस्ट है, लेकिन हिमाचल या पंजाब साइड जा रहे हो तो दिल्ली से पहले ही एक लेफ्ट में कट जा रहा है तो वहाँ से घुमा देते हैं, इसलिए हम लोगों ने ये वाला रूट डिसाइड किया है। सो लेट्स बिगिनिंग, और दिखाते हैं आपको रास्ते में क्या क्या होता है और कैसे कैसे हम लोग आगे जाते हैं, ये सारी चीज़ें कवर करते हैं, और भाई लग गया देख लो एडिट पे, फुल टू एडिटिंग चल रही है गाड़ी में ही तो भाई अभी हम लोग है ना अप्रॉक्स 240 किलोमीटर आ चुके हैं जयपुर से, और सीएनजी ख़त्म हो गया था तो सीएनजी भरवाने आ गए हम लोग गाड़ी में, देखो गाड़ी में सीएनजी भर रहा है, एक्चुअली सीएनजी क्या है थोड़ा सस्ता पड़ जाता है इसलिए थोड़ा सीएनजी डलवाते हुए जा रहे हैं, वैसे पेट्रोल का ऑप्शन भी है गाड़ी में, और बट सीएनजी से थोड़ा सा
फायदा हो जाता है, तो बस सीएनजी भरवा रहे हैं गाड़ी में। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। भाई मजा आ रहा है ना हरियाणा में? केकन लाग रहा तू सीएनजी भरा रहे हैं। अभी हम लोग हरियाणा में हैं और हरियाणा में सीएनजी भरवा रहे हैं। तो भैया यार अभी अप्रॉक्स 450-450 किलोमीटर आ गए हम लोग, और सुसु लगी थी हम लोगों को, तो एक बढ़िया सा रेस्ट रूम था जहाँ पर हम लोग रुके, तो चलो वो भी दिखाई देते हैं आप लोगों को। भैया उठा ले रे देवा, उठा ले। ये रेस्ट रूम है यार, बहुत प्यारा लग रहा है, इतना साफ सुथरा सा है, कोई दिखाएगा नहीं ब्लॉग्स में, मैं दिखा रहा हूँ आपको। बहुत बड़ा भी बना रखा है और बहुत प्यारा सा है, बहुत साफ सुथरा है। चलो यहाँ से थोड़ा सा फ्रेश व्रेश होके मुँह वूह धो के और आगे के लिए निकलते हैं, फिर देखेंगे आगे क्या है। भैया अभी हम लोग है ना 440 किलोमीटर ट्रेवल कर चुके हैं और यहाँ से यू टर्न मारना है। In 500 meters, turn right onto Vishwakarma Mandir Road. हम लोग प्लान कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि 200-300 किलोमीटर में कहीं होटल लेके रात को स्टे करेंगे और ऐसा कुछ था हमारा, चंडीगढ़ रुकने का था प्लान, बट अब चंडीगढ़ नहीं रुक रहे हम लोग सीधा हमीरपुर के लिए जा रहे हैं और हमीरपुर रुकेंगे हम लोग अभी। कैसा लग रहा है भाई? बहुत बढ़िया, बहुत गाने ही जोरदार चल रहे हैं। गाना चला है। गाना, अरे गाना भाई, गाना सुनो, कौन सा सुन रहे हम? भाई कुछ नहीं है, कर भाई कुछ नहीं है, फुल टू एनर्जी। टर्न राइट ऑन टू विश्वकर्मा मंदिर रोड, देन टर्न राइट। शिको पे परदान कर दूता अकबर मेरा। In 500 meters, take the ramp on the right to National Highway 44. भाई फुल मजे में है और मेरे को डर लग रहा है इस गाने का कॉपीराइट नहीं आ जाए यार। डालते ही वीडियो में कॉपीराइट बोलेगा, अगर बोलेगा तो म्यूट कर दूंगा। भाइयो डांटना मत, वीडियो से देखना पूरा। हम अप्रोक्स 450 किलोमीटर कंटिन्यू ड्राइव करके पहुंच चुके हैं, अभी देखेंगे कोई ना कोई ढाबा और वहाँ पर खाना वाना देखते हैं, कुछ सस्ता सा कोई टिकाऊं, बिकॉज मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था आपको कि यार कि सस्ता मुन्ना देखना है यार, देखो क्योंकि लंबी पूरा हम लोगों का जो प्लान है बहुत लंबा है, तो जितना पैसा बच सकता है बचाएंगे भाई। तो अभी हम लुधियाना रोड पे हैं और जा रहे हैं लुधियाना रोड पे, और लेट्स ट्राई कोई डंका सा अच्छा सा ढाबा मिल जाए तो वो दिखाता हूँ आपको, और लेट्स एंजॉय ब्लॉग। तो भाई अभी 450 गाड़ी चला दी है मैंने और अप्रॉक्स हमने सोचा था 250-300 किलोमीटर गाड़ी चलाएंगे और स्टे करेंगे और रेस्ट करेंगे, बट अभी एक ढाबा दिखा अच्छा सा और बारिश भी पड़ गई है, देखिए आप अच्छी खासी बारिश हो रही है बाहर, और खाना खाने के बाद तो पता नहीं है अभी नींद वींद आ जाए तो। देखो पहले हमने सोचा था जब जयपुर से निकले थे कि हम चंडीगढ़ स्टे करेंगे, रात को सोएंगे सुबह को निकलेंगे, चंडीगढ़ कब निकला पता ही नहीं चला, और 250-300 का सोच करके आए थे, 400-450 किलोमीटर गाड़ी चल गई है, बारिश स्टार्ट हो गई थी, भूख लगी थी, और चंडीगढ़ क्रॉस करने के बाद एक जगह बहुत ही अच्छे ढाबे पे हम लोग रुके हैं, अब खाएंगे कुछ, देखेंगे बाकी का आगे, और फिर मिलते हैं। अगर अगर गाड़ी चली तो प्रॉपर गाड़ी और आगे ले जाएंगे, और नहीं चली तो गाड़ी में ही सो जाएंगे भाई। नहीं फिलहाल देखो अब सोएंगे यार, क्योंकि मेरे ख्याल से रिस्क लेना अच्छा नहीं है, नींद भी आ रही है और रात का खाने के बाद तो क्यों नशा आता है वो पता ही है। तो चलो मिलते हैं फिर आगे मिलते हैं क्या जाता है, अभी खाना दिखाता हूँ मैं कैसा मिलता है यहाँ पे।
भाई जा खाना खा रहे हैं मैंने, उसके ढाबे का नाम है पंजाब इन वैष्णो ढाबा। ये तो अभी खाना वाना खा लेते भाई। और भाई हम लोग है ना मतलब काफ़ी लॉन्ग ड्राइव करके पहुंच चुके हैं, 450 किलोमीटर जयपुर से दूर आ चुके हैं। और भाई खाना वाना खाते हैं, देखते हैं, उसके बाद सोने का मन है। सही बात है, रिस्क नहीं लेनी चाहिए जैसा आशीष भाई ने बताया, और रिस्क लेना भी नहीं चाहता हूँ मैं तो। लेट्स खाना वाना खाते हैं, फिर देखते हैं कैसा है, नींद आती है तो। अभी अप्रॉक्स रात के दो बज रहे हैं रात के, और हम लोग अभी खाना खा रहे हैं, तो बस खाना खाते हैं, देखते हैं कैसा इसका टेस्ट है और बताता हूँ मैं आपको। और फिर मिलते हैं यहाँ से जब निकलेंगे सुबह उठ के, तो मेरा फेस देखना कैसे उठता हूँ मैं। तो भैया अभी खाना वाना हो गया है और अब सो जाते हैं, है ना। तो अप्रॉक्स 450 किलोमीटर गाड़ी हम लोगों ने जयपुर से लेकर आ गए हम लोग नॉन स्टॉप, और यहाँ से हम लोग हमीरपुर जाएंगे। और यहाँ हमीरपुर के लिए सुबह यहाँ से निकलेंगे, तो अभी रात हो चुकी है, तो सबसे अच्छा रहेगा कि अभी यहाँ 2-4-5 घंटे जितने घंटे भी हम सो सकते हैं, जब तक सुबह होगी जब तक नींद आएगी सो जाते हैं, और फिर कवर करते हैं आगे का ट्रैवल और दिखाते हैं आपको क्या चलता है। है ना, जहाँ खाना खाया था ना वो पीछे ही हमारे, हमने उनसे पूछा था कि रूम दे दो, तो 2000 रुपये रूम के मांगे थे, और अप्रॉक्स रात के 3 बज रहे हैं, तो 2000 रुपये देने का कोई सेंस नहीं है। सुबह 7 बजे करीब हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे, 4-5 घंटे के 2000 रुपये देने का कोई सेंस नहीं है, तो हम लोग गाड़ी में ही सो रहे हैं। और ये है आशीष जो सो रहा है, ऑलरेडी नींद आ चुकी है आशीष को, और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हम लोग कैसे सो रहे हैं यहाँ पर। और ये गाड़ी है फुल सीट टेढ़ी कर दी है, गाड़ी ऑन है, यस गाड़ी का एसी भी ऑन है, तो सो जाते हैं ऐसे ही। चलो आगे आगे के ट्रेवल में देखेंगे कैसे निकालते हैं। गुड बाय, तब तक के लिए मिलते हैं कल सुबह।